आइलैंड है ना, तो आइलैंड पे मेजरली और मैं चाहता हूँ ये डांस आप एंजॉय करें। कौन आए और चाय ना पी तो क्या खाक सलो कपिल भाई आप तो जा रहे हो डबिंग सारी चलिए जोरों शोरों से। इसकी डायरेक्शन अरमान जी ने करी है। फुल शैतान नहीं कर रहा था ना जस्ट लेट को एक ये ड्रेस मंगवाई है। ये क्या करे स्कूल में वहाँ पे ना बहुत तेज भाव है। उसे 3 घंटे लगे और 550 कितना उन्होंने टीम को बिठा लिया हमारी गाड़ी में। छोड़ा नहीं छोड़ा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। पायल पहुंच गई है सैलून, अभी बज गए हैं सुबह के 12 और आज वो बनने वाली है ब्राइडल। साथ में गोलू को भी बनना था पर रात को हम बहुत ज़्यादा लेट आए, यानी कि 24 घंटे हो जाते हैं हमें। 5:30 बजे हम निकले थे यहाँ पर शूट के लिए, 5:30 बजे ही हम घर पहुँचे। तो ऐसा आसान नहीं होता गाने वाने का शूट करना भैया, बहुत थकान हो जाती है। बस आते ऐसे सो गए थे, पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। अभी भी बस इसलिए उठा हूँ क्योंकि भूख लग गई थी मुझे और थोड़ा कुछ खा पी के मैं तो सोने वाला हूँ, पर गोलू जाने वाली है सैलून में। हाँ, मैं जा रही हूँ सैलून में क्योंकि ना आज पायल ब्राइडल बनेगी, जैसे कि इन्होंने बताया बनना तो हम दोनों को है और हम लोगों ने ना बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाई है, पर आज पायल ब्राइडल बन जाएगी तो मैं थोड़ी सी पायल की असिस्ट कर दूंगी, उसकी हेल्प कर दूंगी और व्लॉग लेने में भी उसको मदद मिल जाएगी। आई है प्रेगनेंसी के लिए, दिखाती हूँ कैसी है। पसंद है मतलब क्या, हमेशा ना पायल पसंद करती है कपड़े मेरे लिए और अपने लिए। एक ये ड्रेस मंगवाई है मतलब। अच्छा, ये गर्मियों के लिए? सर्दियों के लिए, इसके साथ लॉन्ग जूते पहनूंगी ना। अच्छा, ठंडी लगेगी, दिमाग ज्यादा चला रही है। तो एक ये ड्रेस है, ये दोनों के लिए है, मतलब दोनों पहन सकते हैं खुली खुली। ये है जैकेट, ये भी थोड़ी ना सर्दियों के लिए क्वार्टर का कपड़ा है, उसके नीचे है हमारी इनर पजामा, तो ये सैलून में बहुत कम्फर्टेबल रहेगी। आप बताओ। अच्छा, जो तुम मंगा लेते हो। अच्छा, ये ड्रेस वैसे नहीं लग रही जैसे आप कपड़े पहनते हो हिप हॉप टाइप के। अच्छा, तेरी है गोलू की पायल की? पसंद मेरी है, पहनेंगे दोनों। वो बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े थे कि जो आपके सैलून की फ्रेंचाइजी है वो कैसे पता चलेगी, किन से बात करनी पड़ेगी। तो बायो में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उनसे बात कर लेना फ्रेंचाइजी के रिकॉर्डिंग, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। तो जब ये हमारा लास्ट शूट था ना गुंडे वाले गाने का, तो उस टाइम पे जब ये घर आए थे उन्होंने हेयर वॉश करे, बाल एकदम सीधे, फिर इनके बाल सीधे है। तो कल ना हेयर ड्रेसर जो थे ना, मैंने उनसे बात, मैंने कहा भैया आपने लास्ट टाइम ऐसा क्या किया था कि बिल्कुल बाल सीधे हो गए। मैम हमने ना जड़ से प्रेसिंग की थी और 5-6 बार की थी, मतलब की जो हेयर स्टाइल है ना उनका, 2 से 3 घंटे लगे और 2 से 3 बार हेयर स्टाइल हुआ, एक बार ट्रायल के लिए, एक बार सेट पे, फिर एक बार सेट पे। तो इनके बालों का जो टेक्सचर है ना सीधा हो, आप देख सकते हो पूरे बाल ना सीधे हो गए यहाँ से। कल मैं ना बैंड लगाने लग गया हूँ या फिर मैं कैप, हो नहीं रहा, अजीब से लग रहे हैं बाल। तो आज मैं जिम नहीं जाने वाला, तो आज मैं खाने वाला हूँ चीट मील अपने पराठे और दही के साथ। आप क्या खाने वाले? ये आपके पराठे नहीं है और मेरे और पाल के पराठे। चलो फिर एक तो खा लूं मैं। हाँ, एक खा सकते हो। गाइस की ना जैसे कि आपको पता ना हमारे घर में चोरी हो रही थी वो जूतों की, तो मैंने ना नीचे पता करवाया है और साथ में भी भाभी है उनके पास जो कैमरा है उसने पता करवाया है। मैं जल्दी बताऊंगी कि हमारे घर शूज है ना किसने गायब करे। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ शावर लेके, बस अभी निकल रही हूँ सैलून के लिए। बट सैलून जाने से पहले मैं चीकू का वेट कर रही हूँ क्योंकि कल पूरा दिन चीकू से मिली नहीं ना, मैं सोचो चीकू से मिलकर जाऊँ। मेरे लिए कहाँ से? ये क्या कर रहे है स्कूल में? ये ओहो, इसके कपड़े तो देखना, क्या करके आ चुकी है, कपड़े देखना तो सही, इधर तो आ जा देखना टिफिन और पानी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का दिन कैसा था? कल का दिन कैसा था? फुल शैतान नहीं कर रहा था ना पापा? एक चीज लेके आओ। हाँ दिखाओ। बच्चों की भी ना गाइस कुछ भी नहीं है। कल फोन आया पायल का, खींची को शैतानी कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहे टॉय चेयर। वाकई में इसने ना बहुत दिन हो गए, मुझे लग रहा है की महीना हो गया इसने अब तक कोई टॉय नहीं लिया, आज इसको कोई टॉय दिलाता हूँ। समझदार हो गया चीकू, बहुत ही मजेदार तो भारी है चीकू। वाओ, अच्छा लगा दूंगी दोबारा, चल बहुत मुश्किल से ये ले दोबारा लगा देती हूँ। बहुत सुंदर है चीकू। वाओ यार चीकू, माय टाइम में तो मैं बताऊं ये कहां से लेके आया हूं? नहीं बता। ये वहां से समझते जहां पे फ्लाइट लैंडिंग नहीं होती, क्या बोलते हैं, फ्लाइट लैंड एयरपोर्ट से। हां जी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या गए था छोड़ने? कितने बेटा? 550 कितने होते? 550 पता तो लग गया तेरे को, 500 कितने होते हैं। प्लान आज का? आज मम्मी छुट्टी मानने दो बेटा, किस खुशी में? किस पायल मम्मी ब्राइडल बन रही है तो इस खुशी में प्लीज। नहीं, खुशी का रीजन तो बता दो। रीजन बहुत अच्छा। क्या आपकी छुट्टी है बेटा? फिर कल से 2 दिन की छुट्टी थी जीकू, कल से 2 दिन की छुट्टी दे रही। आज हम नीचे को क्यों नहीं पहन के गए स्कूल में? मम्मा टूट गई थी। अच्छा मम्मा प्लीज। गोलू निकल चुकी है सैलून की तरफ, खाना वाना उसने पूरा डन कर लिया। बस कुछ नहीं, वेट कर रही हूँ जाकर पायल के साथ लंच करूंगी। आप भी लंच कर लेना, चीकू को सुला देना और लंच कर लेना, ठीक है? हाँ जी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। जा रही हूँ ट्यूशन पापा।
मैं कहना हूँ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अभी देखो ये ब्रेसलेट बन गया और यहाँ से देखो ये खुल भी जाता है। हाँ, खुल गया। उसको चीकू बंद करियो, कैसे बंद होगा ये? ऐसे चुप जाएगा। कमाल का यार ये चीकू बन गया। सही है यार चीकू, यार कमाल का यार ये तो यार। और वो हाथ में क्या दिखाई? हाथ में ब्रेसलेट है। उसको कुछ बना के दिखाओ। हाथ ब्रेसलेट का चीकू ने रिंग भी बना दी है, तो मतलब मजेदार सा लगा मुझे। ऐसे खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। एयरपोर्ट से है? एयरपोर्ट से कौन लेके आया था? ये चच्चू लेके आया। झूठ बोल रहे हैं। गए थोड़ी थे? कहाँ गए थे? एयरपोर्ट पे कहाँ गए थे बताओ? घर पे तो रहते हैं। गए थे ना जब रात को। काम करो, ट्यूशन जाओ फटाफट, आओ फिर दोनों पापा बेटा जाएंगे घूमने। ठीक है, कहाँ चलना है जल्दी? नदी में। तो गाइस मैं और चीकू आपको रोजाना दिखने वाले व्लॉग में, क्योंकि गोल और पायल जाएंगे सैलून, क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट है घर, और बाकी जो काम है वो मेरा डिपार्टमेंट। पापा वहाँ पे ना बहुत तेज भाव है, मैं भाव में लेट जाऊंगा, ऐसे गिरूंगा। चले नहाने बेटा, तबियत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं, चलते हैं घूमने फिरने चलते हैं, भूप ले चलता हूँ। तो फिर फटाफट आ जाओ वहाँ से। ठीक है, दोबारा सो गया था मैं 3 घंटे और, यानी कि अभी 5 बज गए। बस पायल को कॉल किया मैंने कि भैया घर आ जा, लग रहा घर खाली खाली, दोनों चले जाते हैं चिकू ट्यूशन हो, तो बस वो अभी आने वाले हैं। तो भैया हम हो गए रेडी और हम जा रहे हैं सैलून की तरफ। गोलू और पायल को ले भी आऊंगा, थोड़ा चक्कर भी लगाऊंगा, देख लेंगे क्या चल रहा है वहाँ। भैया यहाँ पर आ गए मजेदार सी चाय, सूरज भाई कालू भाई पी रहे, साथ में हम भी सोच रहे हैं 2-2 पैक लगा ही ले। हाँ चाय के। तो गाइस हमने टीम को बिठा लिया हमारी गाड़ी में, अनुज और अपना नूर दूसरी गाड़ी में थे, उनको हमने इसमें बिठा लिया कि वापिस चलते हैं सैलून। सैलून आए और चाय ना पी तो क्या खाक सैलून आए, चाय पी रहे साथ में हमारे साथ है। इनको आप जानते हो, ये हमारे घर के शुभ चिंतक है। रोज 3 बार इंट्रोड्यूस हो जाती हूँ मैं से में। जरूरी है ना, देखो है ना? जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इंट्रोड्यूस ना हुए तो फिर क्या खाक जुड़े हुए हैं। तो गाइस आयरा रो रही है और उनकी मम्मी कह रही है कि भैया इनको आप घर ले जाओ पायल के पास। गाइज अभी दर्शन हुए मैडम के, सुबह से दिखती नहीं है मेरे ब्लॉग में, आजकल अधूरा अधूरा ब्लॉग लगता है, ऐसा क्यों? आप कल थके हुए थे ना, शूट से आए थे 4:30 बजे, पर आपको मैं तो बाय करके गई थी। तो बाय तो करके गई थी, फिर भी आदत नहीं है ना। जब मैं घर आई तो आप चले गए बाहर, क्या करें काम ऐसे। आपकी मील आ गई है, मैं तो नहीं खाती, आपकी मील है, आपका वेट कर रही है। 2 खाना खा के सो जा टाइम से। मैं अभी आधा घंटे मेरी आंख लगी थी, फिर अचानक से खुल गई, अब खाना खाऊंगी पायल के साथ, फिर सोते हैं बस। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल है शनिवार होता है, तो बहुत देर से ना जिद कर रहा है मम्मा फैमिली टाइम करे फैमिली टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि देखो फैमिली टाइम करेंगे, मूवी देखेंगे तो 2-2.5 घंटे जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम क्राइम पेट्रोल का एक सीरीज देख लेते हैं, ठीक है? 40 मिनट वो देख ले, कुछ तो मिल रहा है देखने को। सुन मैं चला देती हूँ, कोई 1.25 घंटे की मूवी चला देती हूँ, शॉर्ट फिल्म देख के। हाँ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बना लेते हैं और थोड़ा थिएटर बना लेते हैं रूम को। आप तो जा रहे हो डबिंग के लिए, हम तीनों को देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। गाइस अभी जाना मुझे डबिंग करने, जो मेरा गाना आने वाला है 2 तारीख का, उसके आगे कुछ डायलॉग है बहुत ही कमाल का, उसकी डबिंग करने जाना है और उसके लिए मुझे चाहिए नितिन। मैं तो गाइस मैं तो 2 दिन से आप लोगों सभी को बता रही हूँ कि हमारा बहुत ही धमाकेदार गाना आने वाला है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसकी डायरेक्शन अरमान जी ने करी है और प्रोड्यूस भी अरमान जी ने किया और कास्टिंग भी अरमान जी और गोलू ने की है। तो गाना बहुत धमाकेदार होगा, 2 अक्टूबर को आने वाला है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे। तो जिसने अभी तक नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि गाना मिस ना हो पाए आप। गाइस ये हैं हमारे ब्रजेंद्र भाई और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और अभी घूम के आए फुकेट अकेले अकेले। मालदीव भाई, मालदीव भाई, मतलब ये इतने टूर करते हैं ना बस बता नहीं सकता मैं। आपके लिए मालदीव से एक थैंक यू। ये क्या है बताओ मुझे? ये बस उनका शिप से रिलेटेड है, बिकॉज आइलैंड है ना, तो आइलैंड पे मेजरली शिप्स के थ्रू जाना होता है। थैंक यू सो मच। तो अभी इनको लेके जा रहा हूँ स्टूडियो। गाइस हम फाइनली पहुंच गए अपने स्टूडियो में रेड मारने के लिए। हमारे साथ देखो लोग हैं, तो यहाँ पर चल रही है भैया डबिंग, कुछ लग गया वहाँ पे। हाँ फुल रेडी है, बिठा दें कार्रवाई। ये वाला सीन आज पहली बार देख रहे हो? एब्सोल्युटली सर, पहली बार देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सारी नया एक्सपीरियंस। हाँ जी बिल्कुल, अनुज को आवाज ही आ रही है और आवाज सुन के वो डबिंग करने वाला है।
तो गाइस डबिंग हो गई है कंप्लीट और अभी अभी एक बवाल हो गया सोसाइटी में। चीकू छोटा सा बच्चा है और उसके साथ एक गुड़िया आई थी हमारे घर पे अभी। तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि बेटा आप अपनी मम्मी को बता के आयो, तो उसने बोला हाँ जी मैं बता के आई। तो मैंने बोला ठीक है बेटा आप अपने घर जाओ। तो उसने मुझे ये बोला कैसे कि अंकल अभी मैं 2 घंटे और खेल सकता। फिर भी मैंने बोला चीकू आप इनको नीचे छोड़ के। थोड़ी देर बाद ही जैसे वो नीचे जा रही थी उसकी मम्मी ने देखा मेरा जो सेकंड वाला फ्लोर है वहां पे, तो उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मतलब कि स्लैप किया, डांटा वाटा। देखो उनके बेटे वो कुछ भी करे। उसके बाद वो पुलिस कंप्लेंट करती है कि चीकू मेरी बेटी को ऊपर लेके आया, बताइए मतलब कुछ भी। अब बच्ची है, वो बच्ची ये कह रही है कि चीकू मुझे ऊपर लेके आया। अब चीकू भी बोलते कि वो मुझे ऊपर लेके आई। तो बच्चे बच्चे खेल रहे हैं आजकल, क्या है ना लड़ाई सिर्फ बच्चों की रह गई है। तो बस मेरा तो यही मानना है कि अपने बच्चों को ना आस पड़ोस के बच्चों से दूर रखो और अपने घर में खुश रहा। बोलते दादा बिल्कुल भाई, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं और इस तरह की पुलिस कंप्लेंट कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। तो ये गलत बात है ना, बच्चे मतलब आपस में खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। और ये मतलब कानून भी इंसान को पढ़ना चाहिए कि अगर तुम बच्चे है छोटे से, बच्चों पे क्या कंप्लेंट करवा सकते हो तुम। बिल्कुल भी नहीं, इतने छोटे बच्चे के लिए क्या कंप्लेंट करोगे कि मेरे को खेलने के लिए उसने कंपेल किया। अगर आप मतलब थोड़ा सा मैनर्स होता तो आप घर आते, घर आके बोलते कि आपका बेटा ले गया, उसको आगे से समझाओ। एब्सोल्युटली क्या मिला फिर। बिल्कुल, अगर उसकी मदर को नहीं पता था कि मेरी बेटी वहां पे, तो एटलीस्ट पहले देखे तो सही। या फिर अगर आप कह रहे हो कि छोटी बच्ची है तो बिना अपने पेरेंट्स के पता हुए वो कैसे आपके घर आ सकती है। उनको पता ही होगा ना कहीं ना जा रही हो। नहीं, सोसाइटी है ना, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, अगर आ भी जाती है। मैंने सबसे पहले उससे यही पूछा कि आप अपने घर से बोल के। बोला हाँ जी। फिर मैंने बोला आप जाओ, 7:15 पे ये बात मैंने बोली चीकू को ना, सोने का टाइम हो गया आप जाओ बच्चे यहाँ। तो बोली अंकल जी मैं अभी 2 घंटे और खेल सकती हूँ। मैं बोला फिर भी आप जाओ, आप अपने घर वालों को बोल के। बोले हाँ जी बोल के आऊँ, क्योंकि ना देखो मेरा भी कॉमन सेंस यही है, चीकू मुझे अगर कहीं मिलेगा तो मैं उसको डांटूं या उनके घर वालों को बोलूंगा कि आप आगे से अगर ये आपके घर है तो मुझे कॉल। मैनर्स तो ये बोलते हैं कि अगर आपके घर पे बच्चा है तो आप कॉल करें अगर चीकू को जानते हो। बाकी आजकल तो देखो बहाने चाहिए लोगों को लड़ने के। नहीं हाँ, बट बीइंग नेबर्स इतना तो बनता है ना कि अगर एक छोटा बच्चा दूसरे किसी घर में है तो ये तो कॉमन सी बात है कि बच्चे आपस में खेल ही रहे होंगे। इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करना या इतना कुछ हल्ला गुल्ला करना। तो गाइस यहाँ पर चल रहा है फुल धमाकेदार डांस और मैं चाहता हूँ ये डांस आप एंजॉय करें, पर गाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। करते हैं दोबारा से, चलो। हाँ भाई सूरज, तो गाइस सारे रेडी हो गए हैं। गाइस तैयारी चल रही है जोरों शोरों से नेक्स्ट सॉन्ग की और बहुत ही कमाल का गाना है, दिल खुश हो जाएगा सुनते ही। और जो 2 तारीख को आ रहा है उस गाने में आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, एक्टिंग, थ्रिलर, ड्रामा। कॉमेडी तो नहीं है ना? कॉमेडी नहीं है उसमें, फुल ऑन एक्शन मिलने वाला है आपको। गौरव भाई भी देखेंगे उसमें। गाइस डांस रिहर्सल हो गई है, घर की तरफ निकलते हैं। रात को अमरूद कौन खाते है? मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। और तेरा भाई? ये मेरे को देख के खा रही। मैं तो रोटी खा चुकी हूँ, इसको देख के अब अमरूद भी खा रही। सो जाओ ना टाइम से। अब भी खाना खाया था ना, तो मैंने सोचा 2 मिनट रुकती हूँ, थोड़ा पेट को घुमा लेती हूँ, फिर सोती हूँ। तो बस मैं अभी घर पहुंचा हूँ और जो छोटा मोटा हुआ था झगड़ा वो शॉर्ट आउट हुआ है। सब चीजें रियलाइज हुई है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, फिर डिस्कशन हुआ पार्लर गोलू का और अब सब कुछ खत्म हुआ। आप कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? बस कुछ नहीं, वो अपोलोइज उनकी मम्मा अपोलोजाइज करके गई थी। कुछ नहीं, उसकी मम्मा और वो आए थे अभी, सारी बातें क्लियर हुई। वो फिर पता लगा कि बच्चे ने सही से बताया नहीं, अभी बैठ के गई हमारे पास। आप आयो 10 मिनट पहले। चलो कोई बात नहीं, होता रहता, बच्चे हैं, बच्चों में होता रहता, पर ठीक है। मैं करता हूँ, माँ बाप को इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। मैंने बताया उनके आए ना यहाँ पे, मैंने बताया, मैंने कहा जैसे चीकू के पापा घर पे आए ना, मैंने तो सबसे पहले मैंने ही पूछ लिया था बेटा पूछ के आयो किसी से, नहीं आयो। उसने कहा हाँ मैं पूछ के आयो। फिर चीकू के पापा ने कहा बेटा आप घर जाओ, लेट हो गया, आप घर जाओ। मैंने बताया कि उसके पापा ने तो उसे उसी टाइम भेज दिया था, जैसे आप ऊपर आए वो नीचे गई। गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें, सेफ रहें।